नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ नीट 2021 के मेरे तीन बहुत प्यारे बच्चे बैठे हैं। अंकित शर्मा आपका कौन बेटा, 668 बगड़िया, 669 राहुल, 685। ये तीनों बच्चे रेगुलर क्लासरूम के बच्चे, आप कह रहे थे बी बिल्डिंग बी बिल्डिंग बी बिल्डिंग अंकित सर के हॉस्टल में। दो बच्चे बी बिल्डिंग से हैं, एक अंकित के हॉस्टल से हैं। आप है स्वयंवाधोपुर से, आप हमारे सीकर से हैं, आप जयपुर के पास, जयपुर और टोमो के बीच आपका गांव है। तो तीनों परिवार है, परिवार के सब लोग बैठे हुए हैं। ये बच्चे क्या कहते हैं, ये ऐसा क्या रहा कि आप नीट में 3000 की रैंक तक अपना स्कोर बढ़ा पाए? सिलेक्शन होना बड़ी बात है, रैंक लाना बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले राहुल के पापा को माइक देना चाहूंगा, राहुल चौधरी, जिसका एक वीडियो कल था पहले से। ये राहुल मेरे पास आया था एक बार बहुत पहले, हमारा एक वीडियो बनाया इसे बाप बेटे हमने, वो वीडियो यूट्यूब पे 70,000 लोग देख चुके हैं। मोहन जी आपका नंबर भी आएगा, तो राहुल के फादर को जाऊंगा माइक लेते। जय सीएलसी, मैं तो इस मामले में समझता नहीं था, भाई डॉक्टर कैसे बनते हैं और इंजीनियर कैसे बनते हैं। लेकिन हमारे उनके जीजा जी हैं बड़े भाई साहब के जो हैं, उन्होंने बोला कि आप सीएलसी में करवा दें। फिर हमारे वो किसी ने बोला मैं गुरु कर पा रही हूँ, गुरु कर चला गया और वहाँ से ऑटोमेटिक पता नहीं क्या हुआ, मेरे खुद की दिमाग बैठा कि हाँ नहीं करवाना है। या आए माइक मुझे बात करूँ उनसे, मिले ये बाबूलाल जी सर से, तब उन्होंने कहा यहाँ करवा दो, एडमिशन करवा दिया। और जो भी है वो सीएलसी की देन है और बाबूलाल जी का फुल सपोर्ट रहा है। मैं तो इस मामले में समझता भी नहीं हूँ, तो उन्हीं की देन है। और बहुत अच्छा अनुशासन और बढ़िया पढ़ाई का माहौल है यहाँ। मेरी तो सोच भी नहीं थी सर भाई मेरा बच्चा डॉक्टर बने, क्योंकि 12वीं तक वैसे ही गाँव में पढ़ा है और अचानक ही मोड़ दिलवाया है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा बगड़िया के पिताजी अपनी बात रखे, बगड़िया के पिताजी, एक लाडला बेटा हमारा बी बिल्डिंग का, प्लीज सर। जय सीएम सिंह, मैं नाव साधु बगड़िया, मैं पुलिस विभाग में वर्क करता हूँ, सीएलसी में पहली बार आया हूँ। पहली बार हम आए कि पहले ये संस्था हमें डॉक्टर दे चुकी है, दो तीन डॉक्टर दिए परिवार में, आस पास भी दिए हैं, तो ये कुछ ज़्यादा जांच करने जरूरत नहीं थी। मेरे दो साल रहा कोरोना तो भी नहीं आया, तो यह सफलता सुरक्षा यहाँ मिलती है और ज़्यादा करने को विशेष जरूरत नहीं है। जहाँ सुरक्षा सफलता मिलती है ना, उनको सब ढूंढ लेते हैं। इसी के साथ छोटे से समझ। थैंक यू सर, मैं एक बात करना चाहता हूँ, जो आदमी थोड़ा सा खुद पारिवारिक होता है, अनुशासित होता है, वो इन शब्दों का तो मानता है। साहब सीएलसी तो वो है जहाँ परिवार कोटिंग की बात होती है। अब मैं माइक लेना चाहूंगा हमारे अंकित शर्मा को, देना चाहूंगा अपनी पास ना माइक, आप अपनी बात रखिए बेटा। आप स्वयंवाधोपुर से हैं, जहाँ से कोटा मात्र ट्रेन का सफर 50 मिनट का, क्यों कोटा स्वयंवाधोपुर के 45 मिनट का, कोटा और स्वयंवाधोपुर बीच जो कनेक्टिविटी है ट्रेन की दुनिया में कहीं नहीं है। 45 मिनट के सफर को छोड़ के ये 6 घंटे का सफर करके सीकर आया और आज आपका स्कोर है पंडित 666। प्लीज बात करिए बेटा। जय सीएलसी, मैं अंकित शर्मा खंडार सवाईमाधोपुर का रहने वाला हूँ और मैं 2019 में सीएलसी आया था, क्योंकि 2019 में हुई थी। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय सवाईमाधोपुर में पढ़ता था, वहाँ से परसेंटेज अच्छी बनी तो सोचा कि कोचिंग करनी चाहिए नीट की। लेकिन नीट की कोचिंग के लिए ऑप्शन थे कि कहाँ से करें, अब कहाँ से करें मैं, ऑप्शन हमारे सिर्फ डायरेक्ट एक था कोटा। तो कोटा में भी बात करते थे कि कोटा जाना है, पर कोटा की जो फीस वगैरह फिर जो होता है फाइनेंशियली वो थोड़ा ऐसा सही नहीं था। बट घर वालों ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा कि फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम वगैरह, बट दिक्कत तो है थोड़ा बहुत की, दिक्कत तो है। तो वहाँ से फिर कोटा की सोच तो रहा था, जाता भी कोटा ही सच बता रहा हूँ। बट मेरा एक दोस्त है राजेंद्र सर, आप जानते हो, पिछले साल वो आईआईटी रुड़की में सेलेक्ट हो गया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो उसने ही कहा था, मैंने उससे पूछा कि कहाँ चले, कोटा चल रहा है क्या कोचिंग करने, उसने कहा था नहीं यार मैं कोटा में फीस ज़्यादा है। तो मैं कि फीस ज़्यादा है तो ऐसी कहाँ गई जो फीस कम लगेगी, क्योंकि नहीं मैं सीएलसी की सीकर की सोच, पहले कहा सीकर की सोच रहा हूँ मैं, सीकर में कौन सी कि सीएलसी, क्योंकि उसकी फीस क्या है, क्योंकि वो तो पता नहीं पर वो कम हो जाती है वहाँ, कुछ मतलब डिस्काउंट दे देते हैं वो ऐसे परसेंटेज वगैरह से, वरना उधर कुछ नहीं होता।
तो फिर मैंने भी चेक किया उस वेबसाइट वगैरह पे, तो बात भी हुई, तो उन्होंने बात हुई तो कहा कि आपको जो मदद होगी वो की जाएगी, बस इतना ही चाहिए था। फिर उससे कहा मैंने कि चल चलते हैं, फिर यहाँ आया। और यहाँ सबसे बड़ी बात कि यहाँ आया मैं और मेरा भाई। पहले देवांग पढ़ता था सर, मैं और मेरा भाई अकेले आए, घर वाले 2 साल हो गए, आज पहली बार यहाँ आए। क्या बात है, और मतलब मैं आया और मेरा भाई आया, बात हुई सर से, वो सर अभिमन्यु सर थे, उनकी उनसे बात हुई, तो फिर उन्होंने एडमिशन किया। एडमिशन करने के बाद मैं यहाँ रहा, पहले तो मैं पीजी में रहता था 2019 में, तो बट पीजी का ठीक था, नंबर स्टार्टिंग में कम आते हैं, जब स्टार्टिंग में जब 12th के बाद अगर कोई स्कूल से आ रहा हो तो कम नंबर आते हैं, लेकिन वो कम नंबर भी बहुत कुछ सिखाते हैं, धीरे 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 अगर पेशेंस है तो सब कुछ आसान होने लगता है आगे जाके। 2019 हुआ, वो कोरोना लग गया, और कोरोना के बाद तो फिर पता चला कि CLC क्या चीज़ है, इन्होंने मतलब एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते उस चीज़ को, तो कि व्हाट्सएप ग्रुप, ये पेपर PDF, डेली पेपर दो, उसकी रैंक आ रही है, ये आ रही है। रैंक नहीं आती थी पिछली बार तो, जब 2020 के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा था तब तो, बट ठीक था कि हाँ ये तो इतना तो था कि बॉस इतना कर रहे हैं तो पढ़ते रहते थे, एवरेज था 450 2020 के एग्ज़ाम के लिए जब प्रिपरेशन कर रहा था, लेकिन नीट में नंबर आए 601, ये तो पेपर की क्वालिटी, एवरेज 450, नीट में 601, मतलब यहाँ अगर नंबर कम भी आ रहे हैं दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ज़्यादा ही आने वाले हैं। और फिर उसके बाद 601 आए, लेकिन सिलेक्शन तो नहीं था, बॉस से बात हुई, फिर बॉस ने कहा कि हाँ, बॉस से फ़ोन पे बात हुई कि तू सीकर आ जा फटाफट, कोई कुछ सोचना वोचना है नहीं, टेंशन नहीं है नहीं। यहाँ आया तो बॉस ने सीधा कहा कि अब की बार 601, अगली बार 701। सर आपसे मिला था, आप क्लास लेके शूट करके आ रहे थे, बट 701 नहीं आ पाए सर, सॉरी। और फिर उसके बाद यहाँ एडमिशन लिया, उसके बाद बी बिल्डिंग मिल गई, सबसे मतलब मोस्ट क्रूशियल पॉइंट था, बी बिल्डिंग मिल गई, और उसकी तो बात ही क्या है, फिर बी बिल्डिंग तो बी बिल्डिंग, मतलब हर एक लड़का कोई भी डालता है, आपका रूम से बाहर निकले कोई भी मिल गया, भाई ये बता, आंसर रहेगा उसके पास, क्योंकि वो है ही ऐसे सब मस्त वाले लड़के। और ऐसे भी नहीं था कि मैं नहीं बताऊँ उसको ऐसा कुछ, ऐसे वो थोड़ा, और वो लगे था भी, उसने तो ये डाउट पूछा था मेरे से, और वो डाउट क्वेश्चन में आया सर, सच में वो डाउट क्वेश्चन में आया, उसको मैंने थैंक्स तो अभी तक नहीं बोला, क्योंकि हाँ एग्जाम में आया, सॉरी एग्जाम में आया, थैंक्स तो नहीं बोला क्योंकि बात नहीं हुई उससे मेरी, तो ऐसे तो डाउट होता गया। फिर 2020 के लिए जो कर रहा था, फिर तो एवरेज भी अच्छा आता गया, लेकिन एवरेज भी 620 के समथिंग था, लेकिन नंबर 668 वही पेपर क्वालिटी, और पेपर तो इतने लगाए जो मतलब मैं गिनती भी शायद क्या पता, वो तो डाटा देखना पड़ेगा, मतलब हर दिन पेपर कोई मतलब आदि हो जाए पेपरों का, फिर एग्जाम में तो ऐसा लगता है जैसे चल रहा है वो CLC का पेपर, तो ऐसा अच्छा हो गया पेपर, बहुत अच्छा हो गया। CLC का आशीर्वाद रहा बॉस का, तो ये तो संघर्ष करना ही उन्होंने सिखाया, मतलब क्या ये बताते हैं। और उसमें असेंबली में जो वो सबसे बड़ी बात, एग्जाम के एक महीने पहले इन्होंने अपने घर पे जहाँ पे ये पूजा करते हैं, बाबा का स्थान है, उस स्थान पे बिठा के हमारी मीटिंग लेते थे ये, कि सबको SMS के ऊपर जाना है, सीधी बात है, तो माइंडसेट होता है, माइंडसेट इन्होंने बना दिया, बस नंबर आ गया। थैंक यू बॉस, सबको CLC को बहुत बहुत धन्यवाद। ये बच्चों की फीलिंग्स होती हैं जो शब्दों बाहर आती हैं। हमारे जो बगड़िया में बात करके बेटा, ये सब बच्चे बी बिल्डिंग के तेरे अच्छा बगड़िया बेटा बात करके जय CLC। और मैं CLC में 2 साल रहा, लास्ट ईयर मेरा स्कोर 597 था, तो सिलेक्शन तो हो रहा नहीं था, तो मैंने पापा से बात करी, तो ये सिलेक्शन नहीं होगा, तो पापा ने कुछ नहीं बोला, ठीक है 34 साल के पास जा। मैं आ गया सीधा बॉस के पास, बॉस ने कहा वही हॉस्टल वही सब, वापस लग गए। इस बार 669 मार्क्स हैं, और जैसे अंकित ने बताया कि बॉस मेरे पापा और मम्मी भी आज पहली बार ही CLC आए हैं, मैं पापा को आते हुए हॉस्टल दिखा के लाया हूँ अपना, इनको 2 साल मेरे पापा इधर पुलिस में ड्यूटी इनकी सीकर होके नवलगढ़ी ड्यूटी इनकी, लेकिन फिर भी 2 साल तक कभी मेरे पास नहीं आए, इनको इतना विश्वास है CLC पे कि मतलब ये ऐसा नहीं था कि आ नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी मतलब कभी मेरे पास नहीं आए कि अगर तू CLC में है तो तू पढ़ेगा, बॉस के पास है CLC में तो तू सुरक्षित है। अभी मैं आते वक्त इनको बी बिल्डिंग आपका घर जैसे हॉस्टल दिखा के लेके आया हूँ, पहली बार हम सीखे रहे हैं मेरे पापा के साथ, बाकी मैं ही आया था सीखे, तो ये विश्वास है बॉस को। और सबसे मेरा मैसेज उन लोगों के लिए है कि जो इस बार किसी भी कारणवश थोड़ा रह गए हैं, तो मैं बताऊँगा कि अगर आप नीट 2022 में बहुत अच्छा करना चाहते हो तो आप सबसे पहले CLC सिस्टम पे आपको विश्वास होना चाहिए, आपको विश्वास सबसे ज़रूरी चीज़ है, जितना आपका विश्वास होगा आपका कॉन्फिडेंस उतना ही ज़्यादा रहेगा, आपके मार्क्स उतने ज़्यादा बढ़ेंगे, उसके बाद आप रेगुलर क्लासरूम CLC क्लासरूम सबसे अल्टीमेट CLC कैंप
जो इस दुनिया में की कोई कोचिंग नहीं करती, वो सब सीएलसी करती है। सीएलसी क्लासरूम, सीएलसी कैंप, बोस की घर में मीटिंग, रीबिल्डिंग के बेसमेंट में जो मीटिंग होती है, उन सब का ये रिजल्ट है कि आज रीबिल्डिंग का हर बच्चा या जो भी बच्चे, जिन भी बच्चों की बोस के साथ मीटिंग हुई लास्ट टाइम में, जो अच्छा कर रहे थे, जिनकी मीटिंग हुई, उनका सबका स्कोर बहुत अच्छा रहा है। और इसी के साथ में जय श्री। हाँ, रात को पूरा टाइम लगाया था अपने एक बार। थैंक यू दोस्तों। बच्चे कहते हैं बिल्कुल, बच्चे मेरे घर तक आते हैं, मेरे पूजा का स्थान जो है वहां तक मेरे बच्चों की मीटिंग्स होती है, इससे बड़ी बात हो सकती नहीं। अब मैं चाहूंगा कि राहुल अपनी बात रखे। वैसे राहुल बहुत बार वीडियो बोल चुका है, कल हमारा एक और वीडियो चल रहा है, कल से हमारे फिर भी एक मैसेज देना चाहेंगे। जैसी एलसी, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अगर मेरा सिलेक्शन हो सकता है नंबरों के साथ, तो किसी का भी हो सकता है। क्योंकि मैं जब 12th कर रहा था तो मुझे पता भी नहीं था कि नीट होती क्या है, मैंने तो कभी नाम भी नहीं सुना था। जब 12th में जब फॉर्म भरे जाते हैं, तब एक सुना था कि साथ वाले भर रहे थे, नीट का फॉर्म भर रहे हैं, हम नीट का फॉर्म भरते हैं। मुझे एक्चुअली पता ही नहीं था भाई नीट देनी पड़ती है एमबीबीएस के लिए। मेरा तो ये था कि अपन तो बाहर जाएंगे, रशिया वगैरह वहाँ से करके आ जाएंगे, मुझे कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि हमारी फैमिली में पहले से बाहर गए हुए थे। तो मैं सोचा वो भी गए हुए, अपन भी चले जाएंगे। पर अब सीएलसी की ही देन है। जाबर जी सर हैं, मेरे जीजा जी और मेरे भैया थे वीरेंद्र भैया, उन्होंने भी सजेस्ट किया था सीएलसी, और सीएलसी ही बेस्ट है। जय सीएलसी। थैंक यू। देखो ये फर्क पड़ता है, वो रशिया गया पहले से तो नए बच्चे कैसे तो रशिया जाना है, तो एसएमएस गया तो नए बच्चे का एसएमएस, ये प्रेरणा होती है। तो ये झाबर जी पूर्णिया का जो नाम कोट किया है, संस्था प्रधान है, मेरे मित्र है, अन्य कोई साथी शर्मा जी बोलना चाहें कुछ। हाँ, जय सीएलसी ऑल फैमिली मेंबर्स, आई प्रेज्ड दैट सक्सेसफुल इज द हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। हम सारा, हमारा बेटे अंकित ने बता दिया है कि हम सीएलसी में एंट्री ली है, तब से एक मेन लक्ष्य बनाते हुए हमने अध्ययन किया है, और हमारे पापा का हमसे प्रेस किया कि प्यार से डॉक्टर कहते थे, लेकिन हमारे बेटे ने हकीकत बना के कि अरे घासी रोटी ने जद बने बिलाव ले भाग्यू। तो राणा प्रताप ने जो ट्रेस किया है शेखावाटी को, चित्तौड़ भूमि को, तो वो उद्देश्य हासिल करके बता दिया है। एवं सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक यू सर। तो ये हमारे कुछ गार्जियंस से इनकी फीलिंग्स होती है। थैंक यू, बहुत बहुत नमस्कार।